बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबको, तमाम झारखंड वासियों को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं। झारखंड को बने अब 22 साल पूरा होने को चाहिए और झारखंड राज्य में हमें भी 28 महीनों तक सेवा करने का अवसर मिला था और अभी उस वक्त जब अलग झारखंड राज्य बना, इसलिए हम लोगों से कहते हैं कि मुद्दा ये नहीं है कि हमने क्या किया। अगर आप कहें कि हमने क्या किया तो मैं इतना ही कहता हूं, क्योंकि हम झारखंड में जन्मे हैं, यहीं पले हैं, बड़े हैं और बचपन से हमने जिस कष्ट को, जिस तकलीफ को हमने देखा ही नहीं बल्कि जिया, तो जब राव जी के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करने का अवसर मिला तो जिस कष्ट को हमने जिया और देखा तो हमारे नहीं में झारखंड वासियों की वो तकलीफें थी। और जैसे मैं कह सकता हूं कि उस समय आज से 22 वर्ष जब पीछे मुड़ करके देखेंगे 2000 के पूर्व का झारखंड, तो घर से गांव से मुख्य सड़क तक आने जाने की कोई साधन नहीं था, सड़कें नहीं थी, नदी नाला में पुल पुलिया नहीं था, अर्थात गांव की जो कनेक्टिविटी कहीं भी नहीं था और ये बड़ा कष्ट देता था सबको, बहुत तकलीफ होता था। और इसलिए आप देखेंगे कि जब राज्य बना, राज्य के हम मुख्यमंत्री बने तो इन कष्ट को और इन तकलीफों को दूर करने की हमने प्रयास किया और मैं समझता हूं कि आज भी झारखंड हमें उसी के रूप में याद करती है। फिर राज्य के अंदर में उस वक्त जब राज्य नहीं बना था तो झारखंड उग्रवाद से पूरी तरह से प्रभावित था, झुलस रहा था। गांव घर में जो अच्छे किसान थे, संपन्न थे, वो गांव घर छोड़ करके, खेती बाड़ी छोड़ करके भाग चुके थे। लोगों में एक नई विश्वास का हमें संचार करना था और उसके बाद प्रदेश में कानून के राज्य भी स्थापित करना था। और उसके बाद घटना लोगों को पता है कि जंगलों में कई बंकरों को तोड़ा गया, कई एक उग्रवादी जो थे वो मुख्य धारा में लाया, आवे उसके लिए उनको आत्मसमर्पण भी कराया गया। हालांकि बाद के दिनों में व्यक्तिगत रूप से हमें बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी, लेकिन मैं ये मानता हूं कि उसे राज एक नई पटरी पर आया, लोगों को एक कानून पर भरोसा हुआ, विश्वास जगा। तो मैं समझता हूं कि आज भी लोग इस रूप में हमें याद करते हैं। अब सर्व दूर आप तो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, मैं तो लगातार आवाज उठाते रहा हूं भाई आज जो सरकार है काम नहीं कर रही है बल्कि कमा रही है, और कमा ही नहीं रही है बल्कि राज्य के संसाधनों का लुटा रही है। आम जनता परेशान है, तरसते है। कानून व्यवस्था जिसका काम था कानून व्यवस्था को बनाए रखना, आज वो लोग एक प्रकार से वसूली में उनको लगा दिया गया है, लॉ एंड ऑर्डर बद से बदतर हो गई। आज इस राज्य में जो लोग ये नारा लगाते थे जल जंगल जमीन की हम हिफाजत करेंगे, लेकिन आज तो उन सारी चीजों को लोग उजाड़ने में लगे, चारों तरफ चाहे नदी का बालू हो, चाहे पत्थर हो, चाहे कोयला हो या लोहा हो, उसकी लूट अब जग जाए। अब तो सब जगह आ रहा है, धीरे 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 करके सब कुछ उजागर हो रहा है। तो आज ये जो राज्य की हालत है, राज्य की जो स्थिति बनी है, हम समझते हैं कि अभी नहीं बल्कि राज्य की जनता आज पूरी तरह से निराशा में है। अब जनता अब नए सिरे से आप सोचने को मजबूर हुई और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला जो समय होगा बेहतर झारखंड के लिए लोग अच्छे विकल्प चुनेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय झारखंड की जनता निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को फिर से
सत्ता के शिखर तक पहुंचाएंगे। और मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि जिन सपनों को, जिन दर्द और तकलीफ को आज भी मैं गांव के लोगों की देख रहा हूं, जैसे इस साल सुखाड़ की स्थिति आ गई, अगर सिंचाई की सुविधा पूर्व में बनी हुई होती तो हम समझते हैं कि इतनी परेशानी शायद किसानों की नहीं होती। तो आने वाला समय निश्चित रूप से सिंचाई को एक प्रायोरिटी दी जाएगी और जगह जगह पर जिसको कहते हैं वाटर बॉडीज, यानी जल संचय की व्यवस्था की जाएगी। लोगों की पेयजल ही नहीं बल्कि भूगर्भ जल को भी रिचार्ज किया जाएगा ताकि जमीन की उर्वरा भी बनी रहे। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय निश्चित रूप से राज्य में कानून व्यवस्था भी ठीक होगी, विकास की जो गाड़ियां रुकी हुई है वो भी ठीक होगी, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बिजली है, पानी है, तो इन क्षेत्रों में विशेष काम करने की जरूरत है झारखंड में। और इन क्षेत्रों में काम करके ही झारखंड को और झारखंड के लोगों की जो तकलीफ है उसको दूर किया जा सकता है। मुझे विश्वास है झारखंड की जनता का सहयोग मिले, साथ मिलेगा तो निश्चित रूप से इन सारी समस्याओं का समाधान समय सीमा के अंदर में कर दी जाएगी। बहुत बहुत